नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। असेंबली इलेक्शन को लेकर आ रही है एक बड़ी खबर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग जो है लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कब जो है असेंबली इलेक्शन होंगे, और ऐसे में लोकसभा चुनाव का जो है वो बिगुल बज चुका है। तो ये खबरें जो है, ये अटकलें लगाई जा रही है कि शायद जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाती है, उसके मद्देनजर शायद जो है लोकसभा चुनाव के साथ साथ असेंबली इलेक्शन भी जो है जम्मू कश्मीर में कराने की संभावना हो सकती है। क्या कुछ इसके पीछे मंशा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको बता दें कि जिस तरह से 2014 में बीजेपी और पीडीपी की कोलाइटेशन हुई थी, उसके बाद से लगातार जो है विपक्षी दल और लोग जो है ये डिमांड कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जो है असेंबली इलेक्शन करवाए जाए, और अब जो है लोकसभा इलेक्शन का बिगुल जल्दी ही बजने वाला है। हालांकि अभी डेट्स क्लियर नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही जो है डेट्स क्लियर हो जाएंगी। उसको लेकर जो है इस समय जो है चुनाव की जो मुख्य चुनाव की टीम है वो यहाँ पर पहुंचेगी और यहाँ की सिक्योरिटी का जायजा लेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी की जाएगी। क्या कुछ तैयारियां जो है जो इस समय लोकसभा इलेक्शन को लेकर जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाकी जगहों पर हो रही हैं, उसको लेकर भी जो है जो चुनाव टीम है वो यहां पर पहुंचेगी और साथ ही साथ पूरा जायजा लिया जाएगा। ऐसे में सुनने में यह आ रहा है कि इसके साथ ही साथ ये भी जायजा लिया जाएगा कि क्या लोकसभा इलेक्शन के साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। इसको लेकर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही है कि जो चुनाव कि जो टीम है, मुख्य चुनाव की जो टीम है, वो जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी, और दौरे की अगर बात की जाए तो दौरा जो है मार्च के पहले हफ्ते में भी हो सकता है। लेकिन अटकलें जो यही लगाई जा रही हैं कि जिस तरह का वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाती है, और अगर बात की जाए इलेक्शंस की, तो जम्मू कश्मीर में काफी लंबे अरसे से यहां पर इलेक्शन नहीं हुए हैं, और अब जबकि लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन के मद्देनजर शुरुआत जम्मू से ही क्यों ना हो। और ऐसे में आपको बता दें कि चार राज्य ऐसे भी हैं जहां पर लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शन भी होने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये चार जो मुख्य राज्य हैं, यहां पर जो है लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो ऐसे में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो खबर ये है कि शायद जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो है विधानसभा चुनाव होने की भी जो है संभावनाएं काफी तेज हैं। अब क्या कुछ ये फैसला होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस समय जो सूत्रों से खबर आ रही है वो खबर यही है कि शायद लोकसभा चुनाव के साथ साथ जम्मू में असेंबली इलेक्शन चुनाव का बिगुल बज सकेगा, और साथ ही साथ जिसका लंबा इंतजार हम जम्मू वासी कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको लेकर काफी ज्यादा शोर मचाए हुए थे कि जब लोकसभा इलेक्शन हो सकते हैं तो असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं, तो शायद इसको लेकर जो है एक अहम फैसला भी लिया जाएगा। अब ये फैसला क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो क्यास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि असेंबली इलेक्शन के जो है वो लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ ही होंगे। वन नेशन वन अगर इलेक्शन की बात की जाए तो शुरुआत जम्मू कश्मीर से क्यों नहीं, क्योंकि लंबे अरसे से यहां पर इलेक्शन नहीं हुए हैं और इसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ नीतियां रहेंगी ये हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन जो इस समय की अहम खबर थी वो हमने आपके साथ शेयर की। आपका क्या कुछ राय है इसमें हमें अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या लोकसभा इलेक्शन के साथ ही साथ असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं, जहां बार बार ये बात की जाती थी वन नेशन वन इलेक्शन की, क्या संभावनाएं हैं जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शन होने की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।